ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जो नियम तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो नियम तुम्हारी लाइफ पूरे तरीके से बदल देंगे। इन नियम को फॉलो करके जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम अपने आप में एक अलग ही एटीट्यूड महसूस करोगे। ये नियम तुम्हें चतुर, चालाक और बुद्धिमान बनाएंगे। जब आप अपने दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ खड़े होंगे तो आप उनमें सबसे अलग नजर आओगे। लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। नियम नंबर एक, अपनी सीक्रेट किसी से ना बताएं। दोस्त, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने आप तक ही रखनी पड़ती हैं। मानो कोई ऐसी गलती जो आप नहीं करना चाहते थे पर आपसे हो गई है, या फिर वो गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं पर आपने वो अभी तक नहीं किया। क्योंकि अगर आप इनके बारे में किसी से बताते हो तो वो इंसान कब आपकी सीक्रेट को आपकी वीकनेस बना दे आपको पता ही नहीं चलेगा। अपनी सीक्रेट अपनी फैमिली से शेयर करो, पर उन लोगों से नहीं जो आपकी सीक्रेट को आपकी वीकनेस बना दे। मानो आपने किसी गोल को अचीव करने की सोची है, अगर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते तो दूसरे लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कुछ सीक्रेट अपने आप तक ही सीमित रखें। नियम नंबर दो, अपनी इमेज कायम रखें। आपकी इमेज, आपकी रिपोर्टेशन ही आपकी लाइफ का मेन पॉइंट है। आप लोगों के सामने जैसी इमेज बनाएंगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। हर कीमत में अपनी इमेज की रक्षा करें। अपनी ऐसी इमेज बनाएं कि लोग आपको उंगली उठाने से पहले हजार बार सोचें। अगर आप अपनी इमेज कायम रख पाते हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातों की वैल्यू होगी, आपके ना होने पर भी आपकी वैल्यू समझेंगे। कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपकी इमेज पर धब्बा लग जाए, क्योंकि आपकी इमेज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व रखती है। ऐसे काम करो जिससे आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सको, लोगों को अपनी बात सुनने के लिए आकर्षित कर सको। नियम नंबर तीन, कम बोलें। आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जो सक्सेस इंसान होते हैं वो बोलते कम हैं और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ज़्यादा बोलने से इंसान की वैल्यू कम होती है। सक्सेस लोग दूसरों की बातों को सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं, इसीलिए दूसरे लोग उन्हें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो दूसरे लोग आपकी बातों से बोर होने लगेंगे। ज़्यादा बोलना बहुत बड़ा कारण है अपनी वैल्यू घटाने का। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि जहाँ पर आपका बोलना ज़रूरी है आप वहाँ पर भी चुप रहें। अगर आप किसी ग्रुप में कहीं जा रहे हो तो अपनी रिपोर्टेशन को ध्यान में रखें और जो ज़रूरी है वही बोलें। नियम नंबर चार, कहो मत करके दिखाओ। किसी इंसान की वैल्यू तब नहीं होती जब वो किसी काम को करने के बारे में दूसरों से बताओ जाता है, बल्कि उस इंसान की वैल्यू तब होती है जब वो किसी काम के बारे में किसी से बताता नहीं बल्कि करके दिखाता है। अगर आपने अपने दिमाग में कोई लक्ष्य सोच रखा है तो आप उसके बारे में किसी से बताओ मत, बल्कि उसे करके दिखाओ। अगर आप अपने गोल के बारे में किसी से पहले ही बता देते हो तो उससे आपके गोल को पाने की प्रति लगन भी कम हो जाएगी, और अगर आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हो तो लोग आपकी इंसल्ट करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। नियम नंबर पाँच, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। पता है बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम लेकर बार बार किसी इंसान के पास जाओगे तो वो इंसान आपसे जलने लगेगा, आपसे अपनी जान बचाने लगेगा। अगर कोई इंसान आपका खास है, चाहे वो आपका दोस्त हो चाहे वो आपका रिश्तेदार, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बार बार उसके पास लेके जाओगे तो उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोस्त, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, किसी के आगे ना गिड़गिड़ाएं।